सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो हमारा व्हाट्सएप बिजनेस का एपीआई होता है, ठीक है, उसमें हम लोग जब भी टोकन पास करते हैं तो ये हमारा 24 आवर में ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। फिर अगर मैं इस एपीआई को अपने बैकएंड में कहीं पे भी यूज करूंगा तो हमों को मतलब एरर देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये अभी हमारा एक्सपायर शायद टोकन हो गया है क्योंकि 24 आवर से ज्यादा हो चुका है हमारा, तो इस पर मैं जैसे ही सेंड करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक एरर देखने के लिए मिल जाएगा अनऑथराइज्ड का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एपीआई का टोकन है वो हमारा एक्सपायर हो जाता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से परमानेंट टोकन जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कुछ करेंगे जो ये हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है, इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस बात करने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूँ आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, जैसे कि मैं अपने डिस्प्ले पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो अपने ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और ब्राउजर में आपको सबसे पहले तो developer.facebook.com पे आ जाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से ही अपना जो भी हमारा व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है उसको मैंने यहाँ पे यूज करा है। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे आ जाना होगा। तो जैसे आप developer.facebook.com पे आते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको मेटा का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी आप लोग को माई ऐप पे सिंपली चले जाना है, यहाँ पे आपको सारा फीचर मिल जाएगा, देन आपको माई ऐप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे माई ऐप पे क्लिक करा है गाइस, तो जो भी हमारा ऐप, जो भी आप लोग का ऐप यहाँ पे क्रिएटेड रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे बिजनेस का देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम शो हो रहा है, ठीक है, आकार इन्फोटेक। सिंपली अभी इसी को हम लोग यहाँ पे इस पे ही क्लिक करके और यहाँ पे हमारा जो भी एज सेटिंग रहेगा उसके अंदर हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा गाइस कि यहाँ पे जो हमारा बिजनेस में आकार इन्फोटेक शो कर रहा है इसको मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बिजनेस सेटिंग का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बिजनेस सेटिंग का सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल चुका है। अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि सिस्टम यूजर को पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पे अभी हमारा कोई भी सिस्टम यूजर ऐड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे इसलिए आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देन आपको यहाँ पे कुछ तरीके से कंफर्मेशन पॉपअप आता है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली डन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डन पे क्लिक कर रखा है। अब यहाँ पे आपको जो सिस्टम यूजर नेम होगा वो आपको डालना होगा और रोल डालना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना कंपनी का नेम डाल देता हूँ एज अ यूजर नेम, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कुछ भी अपना सिस्टम यूजर नेम रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपने कंपनी का नेम इनपुट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज आपको मेक श्योर करना होगा कि जो भी आपका रोल रहेगा सिस्टम यूजर रोल, उसमें बाई डिफॉल्ट एम्प्लॉय सिलेक्ट रहता है। तो आपको यहाँ पे एज अ एडमिन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिंपली क्लिक करके और यहाँ पे एड एडमिन पे क्लिक कर देता हूँ। देन हम लोग यहाँ पे क्रिएट सिस्टम यूजर पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे किसी क्रिएट सिस्टम यूजर पे क्लिक करा हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको वापस से एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा पॉपअप में। देन आपको यहाँ पे भी आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा चीज हो चुका है, मेरा सिस्टम भी यहाँ पे प्रॉपरली एड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम लोग को यहाँ पे ऐड असिस्ट हम लोग को करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड में सिस्टम यूजर जो है कि आकार इन्फोटेक सिंपली शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे हमारा आपको देख सकते हैं कि आपको राइट साइड में यहाँ पे ऐड असिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो वापस से हम लोग एक बार इस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे सारा जो आपका असिस्ट रहेगा, ठीक है, जो भी आपके मतलब ऐप का यूजर नेम के हिसाब से इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको अभी के लिए सिंपली एप्स पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे एप्स पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो आपको आकार एपीआई शो हो रहा है, ये देखिए, ये जो आपका एपीआई है जो आपने जनरेट करा है ऐप, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके इसको फुल कंट्रोल अभी देना होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आकर के इस पे सिंपली चेक कर लेता हूँ चुका है और शो कर रहा है कि आपका वहां पे एडेड हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली अब मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐप शो हो रहा है विथ फुल एक्सेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि आपका ऐप जो है वो शो कर रहा है या नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे अब हम लोग जनरेट टोकन करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे जनरेट टोकन पे क्लिक करूंगा तो आपको वापस से एक कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे मैंने ऐप अभी जनरेट किया है, ऐप ऐड करा है। तो यहाँ पे अभी ड्रॉप डाउन में हमारा ऐप जो है आकार एपीआई शो कर रहा है, देख सकते हैं कि इसको मैं चेक कर लूंगा और जनरेट करूंगा वापस से। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा ऑप्शन सारा परमिशन शो हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक्सपायर का एक आ रहा है कि 60 डेज आपको यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे परमानेंट टोकन जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे 16 डेज वाले ऑप्शन को नहीं करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे चूज विथ टोकन एक्सपायर जो है, ये ऑप्शन को मैं अभी यहाँ पे नेवर पे सिलेक्ट करूंगा, और नेवर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा परमानेंट टोकन रहे। ठीक है, कभी भी हमारा एक्सपायर ना हो ऑटोमेटिक। तो और यहाँ पे देख सकते हैं परमिशन में सारा ऑप्शन है, तो मेरे को एक सबसे पहले तो मैसेजिंग जो बिजनेस मैसेजिंग है व्हाट्सएप बिजनेस, इस पे चेक करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट पे चेक करेंगे। इस दो ऑप्शन को आपको चेकआउट करना होगा, देन आपको यहाँ पे जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे जनरेट टोकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अभी हमारा परमानेंट टोकन जनरेट होकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा परमानेंट टोकन जनरेट होकर के मिल चुका है। ठीक है, और अभी जो हमारा मतलब इससे पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे वो हम लोग टेम्प्रोरी टोकन यूज कर रहे थे, जो हमारा 24 आवर में ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अपने एपीआई को मतलब बैकएंड पे नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बार बार 24 आवर में यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है। तो मैं एक बार आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक बार वापस से व्हाट्सएप ऐप के अंदर, और यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं ऐप जनरेट हुआ है। मैं यहाँ पे एपीआई सेटअप पे सबसे पहले तो आता हूँ, और यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि टेम्प्रोरी एक्सेस टोकन। ठीक है, तो ये चीज जो है ये हमारा 24 आवर में एक्सपायर होता है, तो इस तरीके से एरर आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको एक बार कॉपी करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो एपीआई है वो अभी के लिए हमारा स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारा वापस से 24 आवर में एक फिर से एक्सपायर हो जाएगा, तो हमारा फिर से जो हमारा एरर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इस टोकन को नहीं, अब मैं इस टोकन को यूज करूंगा जो हमारा परमानेंट टोकन है। तो इसको सिंपली आप लोग कॉपी करके सबसे पहले तो अपने नोटपैड में या फिर कहीं पे भी आप लोग सेव करना चाहते हैं तो इस टोकन को आप लोग सेव कर लीजिए, क्योंकि ये टेम्प्रोरी आपका नहीं है, ये आपका परमानेंट टोकन है। अभी मैं इसको कॉपी करके वापस एक बार पोस्टमैन पे इस जगह पे यूज करूंगा और देखूंगा कि जो एरर हमारा आ रहा था वो अभी भी आ रहा है या फिर ये टोकन हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सारा चीज ऐड कर चुका हूँ, बॉडी हमारा ऑलरेडी सारा कुछ सही है। अब मैं यहाँ पे सिंपली सेंड करूंगा और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे काम कर रहा है ये कि नहीं। सो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 200 आ चुका है स्टेटस, और प्रॉपरली हमारा जो व्हाट्सएप है वो हमारा एपीआई हिट हो चुका है और मैसेज भी हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं परमानेंट टोकन की। सो गाइस होप सो कि आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है गाइस तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।